हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज आपको मिला रहा हूँ मैं किसी से, और हमारे घर कौन आया है तो आप लोगों का जो वो उनसे मुलाकात करवाऊंगा, क्योंकि वो 3-4 साल बाद जो है हमारे घर आए हैं। और ये देखिए, मेरी माता जी को हंसी आ रही है, क्योंकि ना इनको शर्म लग रही है भाई, ये कैसे मिलाएगा, ऐसा सोच रहे होंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप भी मेरी जो वाईटी पे जितने भी भाई बहन है ना, वो मेरे वाईटी पे वो भी फैमिली है और ये भी फैमिली है। तो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ कि इनसे कैसे शेयर करनी है बात। मैं तो सारी बातें जो है वो शेयर करता हूँ आप लोगों से। तो हमारे घर में मेहमान आया, तो इनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा। और उससे पहले मैं सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, और सभी भाई बहनों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, तो दिल से ही आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आइए देखते हैं, ये देखिए, ये है मेरे मासी जी, सबसे छोटे वाले मासी जी हैं ये। और ये ना 3-4 साल बाद जो है वो हमारे घर आए हैं, और ये मेरी माता जी सोच रहे हैं कुछ। माता जी क्या सोच रहे हैं आप बताइए। माता, इनसे ना ये मेरी वाइटी फैमिली है, और जैसे आप फैमिली है वैसे ये भी फैमिली है। तो इनसे कोई ऐसी मतलब शर्म नहीं करनी होती है, क्योंकि बिंदास हम जैसे घर में रहते हैं वैसे ही ये भी हमारे घर के मेंबर हैं। तो मासी जी हाय कर लो। और राधे कृष्णा, मेरी माता जी बात कर रहे हैं, भाई इनसे कर लो। राधे कृष्णा। यहाँ मेरी छोटी सिस्टर आई है ना, और कई दिनों के बाद आई है बेचारी। और ऐसा है कि सबका धन्यवाद हो आपका कि मेरे बच्चे को भी सपोर्ट रखना, और बस अब ऐसे ही है। देखिए कितने अच्छे से बोलती है ना मेरी माता ना, कि मेरे बच्चे को भी सपोर्ट रखना। मतलब ये है कि जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहना। और बोलो माता कुछ है? बस और नहीं बोला कुछ नहीं, अब शर्म लग रही है। और मेरी मासी जी को मैंने बताया था ना, जो मेरी मैरिज एल्बम थी उसमें बताया था ना कि मासी जी है, और दो और मासी उसे भी मिलाया था। तो आज ना मासी जी हमारे घर आए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको भी मिला लिया जाए। तो बाय, अभी और राधे देख रहे हो? कृष्णा। ठीक है जी, बाय, सी यू। अब पता नहीं किसी कारणवश ना, ये जो देखिए यहाँ पे इकट्ठे हुए ना आदमी, यहाँ पे ना ये गाड़ी जो है वो गिर गई, पता नहीं क्या हुआ। ये बैक कर रहा था, और यहाँ पे एक नाली जैसी है, गंदे पानी की नाली है, तो वहाँ पे जो है ये पलट गई। तो सारे लोग जो है वो इकट्ठे होके ना इसको उठा रहे हैं, भाई ऐसा ना नुकसान ज़्यादा हो जाए, अगर मशीन लाई तो ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो इसलिए ना सारे इकट्ठे होके ये गाड़ी उठाने में इनकी मदद कर रहे हैं, जिनकी ये गाड़ी है उनकी मदद कर रहे हैं। तो देखिए सभी इकट्ठे होके जो है इसको उठा देंगे, ये देखिए। और ये उठा दी और बिल्कुल सेफ बच गई गाड़ी, जो मतलब जब पाली साइड बजी ना वही ख़राब हुई, और वैसे बच गई है। तो देखिए कितने जोर लगा रहे हैं सभी। और ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो प्लीज़ आप लोग भी जो है जो ड्राइव करते हैं ना या गाड़ी चलाते हैं सभी, तो अपना ध्यान रखना होता है प्लीज़। और ये इसी दिन ना, ये परसों चौथ, 5-6 दिन पहले की बात है, ये कट हुआ था ये। और साथ साथ में ना दो तीन एक्सीडेंट हुए उस दिन, ऐसे छोटे छोटे ही, पर किसी को कोई चोट नहीं लगी, और गाड़ियाँ भी थोड़ी सेफ ही रह गई है। ये देखिए ना, ये सरिये के पीस किए हैं, तो इसकी जो है वो एक, हम अपनी भाषा में तो दंदाली बोलते हैं, वैसे पंजाबी बोलते हैं इसको, पर ये जो दंदाली है ना ये हम यूज़ करते हैं इसको ना, हमने पहले ये गर्म करवाने हैं, ये सरिये के पीस जो है वो गर्म करने हैं और फिर तीखे करने हैं। यहाँ पे ये भाई साहब है ना, ये तीखा करेंगे इसको, ये देखिए ऐसे ऐसे करवा लेने सारे। और फिर हमने ना इसका जो है एक मतलब एंगल में ये बेल्ड करवाने हैं, और फिर जो है वो ये खेतों में ना जब मक्की
मतलब मक्की के ऊपर ना बारिश हो जाती है ना, जैसे हमने भीजी मक्की और फिर बारिश हो जाती है तो सख्त हो जाती है ना ज़मीन, फिर इसको जो है वो चलाते हैं ताकि हमारी ज़मीन जो है वो नरम हो जाए और जो छोटी छोटी मक्की पैदा हुई होगी ना, और हाँ जो छोटी छोटी मक्की पैदा हुई होगी ना उसको जो है फिर वो क्या कहते हैं वो निकलने में ना आसानी हो जाती है फिर, तो इसलिए ये हमारे को बना के रखनी पड़ती थी। मेरे पास थी नहीं है, फिर मैंने जो है वो बनवाई, और इससे जो है वो ज़मीन ना थोड़ी सी नरम होती है और फिर हमारे जो है ये मतलब काम आ जाती है, या फिर जो है वो जिसको सुहागा बोलते हैं ना, या वो चलाते हैं फिर खेतों में, या फिर ये चलाते हैं। सुहागा तब नहीं चला पाते अगर छोटे छोटे जो है वो अंकुर आ गए हो ना मक्की में, तो नहीं चला सकते क्योंकि फिर जो वो टूट जाते हैं उससे सुहागे से, तो ये चलाते हैं, इससे जो है वो बच जाती है और बीच बीच में जो है वो ये नरम कर देती है ज़मीन को, और वो एकदम ये देखिए इसमें ये हैंडल लगा रहा है और इसकी सेटिंग नहीं आ रही थी ना, तो ये बार दो बार इसने निकाल ली, अब इसकी सेटिंग पूरी आ गई है तो ये वेल्ड कर रहा है इसको, और ये देखिए ऐसी बनती है ये। आगे इसमें ना डंडा फंसा दिया, बांस का डंडा जो होता है ना वो लगा दिया इसमें, वो खींचने को हो गया, और जो पत्ती होती है ना एंगल की वो उसमें मतलब हैंडल बन गया, और आगे देखिए आप ये आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम, ये देखिए ये जो ये डाल रहे हैं ना इसको सीरा है और हम अपनी भाषा में इसको नशास्ता बोलते हैं, तो ये गेहूं का जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था ना, गेहूं भिगोई फिर वो हमने पीसी और फिर जो है उसको पानी से निकाला ऐसे मतलब वो बनाई, तो ऐसा बन जाता है ये, और फिर जो है हम लिफाफे में भर देते हैं ताकि इसको ज़्यादा हवा ना लगे, और ऐसे ऐसे पीस बन जाते हैं इसके, फिर सूखाने जब सूख के जब ये ना बिल्कुल पानी इसका सूख जाता है फिर, और ये ऐसे फिर ना देखिए इसमें पानी डाल देना है, मतलब ये भिगोनी पड़ती है कम से कम कोई 15-20 मिनट ताकि जो है ये फिर इसका पानी ही बन जाए। और यहाँ पे हमने क्या किया जी, इसमें तड़का लगा दिया, ये देखिए तड़का हमने डाल दिया और इसमें हमने और कुछ नहीं करना है, ये देखिए वो हमने जो है ये वो वाला पानी निकाल दिया और ये हमने न्यू पानी जो है इसमें ऐड कर लिया, तो अब इसको जो है ऐसे बिल्कुल जो है वो घोल लेंगे, आप जिस मर्जी चीज़ से जो है आप घोल सकते हैं, हाथ से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हाथ से घोल लीजिए, और फिर और कुछ नहीं डालना है, और इसको जो है हम डाल देते हैं इस घी में, आप देसी घी भी ले सकते हैं, वैसे देसी घी इसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, और फिर हम जो इसको अच्छे से ना मतलब घोल लेंगे ऐसे यहाँ पे, और फिर ये पानी जो है हमने सूखने देना है, तो ऐसे हमने कंटिन्यू जो है ऐसे चलते ही रहने देना है, इसे चलाते रहना है कंटिन्यू, और इसमें जो है वो गांठ ना पड़े इसलिए जो है वो कंटिन्यू ऐसे चलानी पड़ेगी ताकि ये बिल्कुल जो है वो नरम रहे, और ये देखिए ऐसे कंटिन्यू चलाते रहना है, और बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी, और इसका ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है गर्मियों में ना ये क्या कहते हैं इसको, गर्मियों में ये ठंडा होता है, ये पित्त शांत करने वाली चीज़ है, तो इससे जो है वो पित्त शांत होता है, और ये तब जो है इसको यूज़ किया जाता है गर्मियों में ही, वैसे तो आप किसी भी मौसम में बना सकते हैं, बस गर्मियों में जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है ये। और ये देखिए अब हमने ना इसको सूखने देना है और बीच बीच में चलाते रहना है, और मीठा जो है हम तब ऐड करेंगे जब ये मतलब ज़्यादा जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, तो हम इसमें जो है वो चीनी यूज़ करेंगे, या हम वैसे चीनी यूज़ करते हैं, और इसमें ना आप कलर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है ऐसे, तो ऐसे ही अगर आपको अच्छा ऐसे नहीं लग रहा है कलर, आप जो खाने वाले कलर होते हैं ना वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हल्दी भी आप, कई लोग जो हैं वो हल्दी भी इसमें ऐड करते हैं, बट हमने जो है वो ऐसे सिंपल ही रखा है, और ऐसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि जो है हमारा ये
ये देखिए अब जो है वो तकरीबन ये तैयार हो गया है, बट मतलब ऐसे सख्त हो जाना चाहिए जैसे ना वो सूजी का हलवा होता है ना, वैसे कंटिन्यू चलाते रहना है। और सूजी का हलवा जैसे सख्त जैसा हो जाता है ना लास्ट में जब पके, तो उतने तक पकाने देना है इसको। और ये देखिए अब हमने कढ़ाई को उठा लिया और ये बन गया जी हमारा नशास्ता, या आप सीरा भी बोलते हैं ना, तो हम जो है इसको नशास्ते बोलते हैं। तो ये बन गया जी हमारा सीरा। और अब इसको जो है वो वैसे बच्चों की ज़्यादा डिमांड होती है ना मीठे की, तो ये अब जो है बच्चों को दे रहे हैं हम पहले, फिर बाद में हम जो है अपने आप खा लेंगे। और भाई साहब है, भाई साहब को भी है जो है ये दे देंगे। और ये देखिए हमारे हिमांशु जो है वो सप्लायर है तो ये बांट रहा है। और फिर इसकी बारी, अब देखिए जी कैसे ये ना।